Good evening, everybody. This is Mark Gotham here, and welcome to the webinar session for Abroad today. And I will be answering all your questions to the best of my abilities. And so in this session, whatever questions you have, you can please type. I can see Sunaina Singh. And asking a question here, NEET qualified nahi hua, kya main abroad se MBBS kar sakta hoon? कहाँ से प्रोसीजर क्या है टोटल पैकेज क्या होगी अमेरिका से एमबीबीएस कर सकते हूँ क्या वो इंडिया में वैलिड है पैकेज का अमाउंट के साथ पे करना होगा टेल मी ओके सुनैना जी फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज यू कैन डेफिनेटली आप बिल्कुल अगर नीट नहीं क्वालिफाई है यहाँ पे तो आप लोग बिल्कुल अब्रॉड से एमबीबीएस कर सकते हो और हमारे पास वो ऑप्शन है मोक्ष के पास वो ऑप्शन है कि विदाउट नीट भी आप एमसीआई की एलिजिबिलिटी की ही जरूरत नहीं आएगी हमारे पास एक रोड मैप है जिसमें एमसीआई की एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं आएगी और आप इंडिया वापस आके प्रैक्टिस भी कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम तो सुनैना सिंह जी आई विल आस्क वन ऑफ माय सीनियर काउंसलर टू कॉल यू कि वो पूरा प्रोसेस क्या है आपको समझाने के लिए राइट सो प्लीज आप ये मान के चलो कि आपने आपको अगर विदाउट नीट जाना है तो मोक्ष ऐसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है पूरी इंडिया में जो आपको विदाउट नीट अब्रॉड एमबीबीएस के लिए भेज सकता है और फिर आपको इंडिया वापस भी लेके आ सकता है और आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो राइट एंड वैभव शर्मा सर आई वांट टू आस्क अबाउट एमबीबीएस इन जर्मनी ओके वैभव जी इफ यू वांट टू डू योर एमबीबीएस फ्रॉम जर्मनी इट्स अ ग्रेट प्लान आपको लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा जो कि करीबन दो साल का सारा कुछ रहता है एफएसपी और गोइत्रे ये दो एग्जाम्स होती हैं जो आपको क्लियर करना पड़ेगा उसके बाद ये डिसाइड होता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन होगा आज से दो साल बाद और उसका यह है कि वो एक वन वे टिकट है और आप चले तो जाओगे वहां लेकिन प्रोफेशनली इंडिया में कभी वापस नहीं आ सकते हो प्रैक्टिस के लिए वहीं सेटल होना पड़ेगा फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ ठीक है आप अगर वहां से डॉक्टर बन जाते हो तो वहां से आपको ग्रीन कार्ड अवेलेबल हो जाता है सो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स विद दैट राइट तो अब नेहा सिंह जी इट्स बेटर टू टॉक इन हिंदी यस ऑफ कोर्स यहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं इस वेबिनार में जिनको हिंदी नहीं आती है इंग्लिश आती है तो आई विल कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश सो दैट थिंग आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा नेहा सिंह जी यू कैन आस्क मी एंड मैं आपको हिंदी में आंसर कर दूंगा ओके एंड हुसैफा काजी जी क्राइटेरिया फॉर एमबीबीएस इन जर्मनी मैंने अभी अभी बताया सो आपको पता लग गया होगा कि पहले तो आपको लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है करीबन दो साल का ऑलमोस्ट दो साल का सारा कुछ रहता है उसके बाद आपका वीजा लगता है आप वहां जाते हो उसके बाद अगर आपका सारा कंप्लीट हो गया आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कंप्लीट कर लिया उसके बाद जर्मनी की गवर्नमेंट कॉलेज में आपका दाखिला हो जाएगा और वहां से आप अपना जो है एमबीबीएस का प्रोग्राम कंप्लीट करके फिर उसके बाद आप वहां से आपको ग्रीन कार्ड इशू सॉरी ब्लू कार्ड इशू होगा जो कि जर्मनी का रेसिडेंटशिप है और वहीं पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा शिखर मिश्रा जी एक्सक्यूज मी सर जस्ट क्लियर माई डाउट कैन यू सजेस्ट मी द बेस्ट कंट्री टू डू एमबीबीएस अब्रॉड The best country would be definitely United States of America, लेकिन हम वहाँ का बजट बहुत ज़्यादा हाई है करीबन 80 लाख का बजट आता है तो that is the reason why we will not get into the we will not get into the entire session of USA. तो या तो आप यूक्रेन से कर लो या तो रशिया से कर लो तो that will be a great choice actually. Siddharth Saini ji, how to get admission in USA? You would just need to give us a call and we will help you with this entire process, Siddharth ji. And if you wish to clear your doubts, Mondays and Wednesdays, Wednesdays and Sundays, a session has been organized by Mr. Dhananjay Shah, webinar session, jahan pe wo aapko sara detail provide karte hain, so that you can go ahead with that process. Digvijay Singh, your question is what is the best choice with a budget of 30 lakhs? If you have a budget of 30 lakhs, you can go to Ukraine or Russia. These would be the two best places.
And what about Shikhar Mishra ji? What about China? I heard China is best country to do MBBS. China is a great country to do MBBS, provided आपके पास बढ़िया NEET का score है, बढ़िया PCB percentage है, और आपका budget थोड़ा सा 35 लाख वाला budget, 35 से 45 लाख वाला अगर budget है, तो that's a great place because China में patient का inflow बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? So I will go ahead with that. और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ओके 311 क्योंकि अभी तक कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लोग अपना नीट का स्कोरिंग बदल रहे हैं तो 311 अगर आपका स्कोर है तो अभी भी हम लोग करा सकते हैं वैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन यू विल हैव टू जस्ट यू नो वेट कॉल अस एंड वी विल गाइड यू व्हाट्स गोइंग टू बी द एग्जैक्ट सिनेरियो एंड सिद्धार्थ सानी जी बेस्ट एंड अफोर्डेबल कंट्री फॉर परसुइंग एमबीबीएस अगर आप अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू टू कंट्रीज किर्गिस्तान और रशिया ठीक है MBBS in Pakistan? No, we do not do MBBS in Pakistan. Okay, we do not do MBBS in Pakistan. We do not do MBBS from Bangladesh, Nepal, India, Philippines, Mauritius. वहाँ नहीं कराते हैं और जॉर्जिया में नहीं कराते हैं. Okay. All right. And I see that the next question is from Shikhar Mishra. So I got 350 marks in NEET and 88% in PCB CBSE. Now suggest me some good country. With 350% marks in NEET and 88% in PCB, you have three options: China, Ukraine, or Russia. And USA, of course, if you have the budget. Agar aapke paas budget hai, to Shikhar ji, you can still go US. But if there is a little bit of the budget issue, so I will suggest you, Shikhar, to go ahead with these three countries. बेहतरीन कंट्रीज है इसमें से हम आपको छांट के काउंसिल करके आपके हिसाब से आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको दिलवा देंगे ऑलराइट रजत कुमार देवांगन जी बेस्ट यूनिवर्सिटी इन अ बजट ऑफ 25 लाख अगर 25 लाख का आप टोटल बजट लेके चल रहे हो तो इन यूक्रेन यूक्रेन वुड बी अ गुड चॉइस और रशिया वुड बी अ वेरी गुड चॉइस क्योंकि 25 लाख का अगर आपका बजट है तो आपका रशिया में आपका कोर्स कंप्लीशन होस्टल एकोमोडेशन खाना पीना एवरीथिंग इंक्लूडेड पॉकेट एक्सपेंडिचर्स कंप्लीट होके भी शायद 25 लाख आपका नहीं मतलब बच जाएगा उसमें बहुत कुछ बच जाएगा श्रेयांश खुशवाहा जी इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट एमबीबीएस फ्रॉम आई जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन राइट श्रेयांश सो आई गेस आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज अगर कुछ भी रहेगा यू कैन डायरेक्टली कॉल अस माय नेम इज मार्क Mark Gautam, you can ask for me and I will also personally guide you agar aapko koi bhi help chahiye hai to. Alright. Shikhar Mishra ji, you have... Sir, I am really confused. I have been searching about all this. Just tell me one country. Shikhar Mishra ji, 350% marks, 88% CBC, now suggest me. And you'll have to tell me, Shikhar ji, what is your budget? Aap mere ko ek budget bata do so that I can, you know, tell you. The exact country which you can go and you can be sure that you will 20 to 30 lakhs please go to Ukraine it's a straight deal excellent scores you have 20 to 30 lakhs is your budget up Ukraine ja sakte ho there is absolutely no problems Digvijay Singh ji you will get a call from your from my senior counselor the moment we are done with this webinar all right So be really sure. Vaibhav Sharma ji, Russia ka budget aapka kareeban rahega almost about 16 lakh rupees only for your studies. Aur uske baad aapka khane ka vagera, that's going to be extra. All right. So, well guys, Digvijay Singh ji, you will get a call. Neha Singh, you will get a call from my senior counselor. Taki we can guide you through this entire process. All right. राजेश कुमार गिरी जी सर 40 के नीचे यूएसए पॉसिबल है सॉरी बॉस 40 के नीचे यूएसए विल नॉट बी पॉसिबल एट ऑल बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एटलीस्ट यूएसए बजट इज 80 लाख मिनिमम ऑलराइट वेल देन थैंक यू वेरी मच एंड यू विल गेट योर रिस्पेक्टिव कॉल्स फ्रॉम माय सीनियर काउंसलर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू दिस वेबिनार गॉड ब्लेस यू ऑल और मैं सभी को एक चीज बताना चाहूंगा प्लीज डू योर रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली बिकॉज अगर आप अपने अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया आपको सीट ही नहीं बचेंगी फॉर द बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल क्योंकि बेस्ट कॉलेजेस
और यूनिवर्सिटीज के सीट्स बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, कहीं पे 4, कहीं पे 3, कहीं पे 6 सीट्स बची हैं। सो प्लीज immediately call us and do the registration process. I am repeatedly telling this. Please do your registration process complete so that you can be on the safe zone. Well then, signing off for now. This is Mark Gautam here. Have a wonderful evening ahead and God bless you all. Bye-bye.